तो इस फॉर्म को कैसे भरेंगे? जब डीबीटी का फॉर्म होगा, डीबीटी को लिंक कराने वाला फॉर्म, चेंज कराने का फॉर्म एक ही है, इसमें कैसे हम भरेंगे? वो पूरा ब्रांच मैनेजर, यानी कि जिस शाखा में, जो वर्तमान में आप लिंक कराने जा रहे हैं, वहां के ब्रांच, यानी कि ब्रांच शाखा प्रबंधक के आप एप्लीकेशन ब्रांच होगा वहां पे, ध्यान से समझिएगा, जो ब्रांच होगा उस ब्रांच का नाम यहां पे भरिएगा, यहां पे जो है ब्रांच का नाम भरिए। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट से, आपके पास जो बैंक अकाउंट है उससे डीबीटी को चेंज कराएं, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो सरकार की योजनाएं होती है जिसके मार्फत से पैसा आपके पास से आता है, जिसके लिंक के थ्रू माध्यम से पैसे, जो सरकार की योजनाएं का, सरकारी योजनाएं होती है उनके पैसे आपके पास आता है, तो उस माध्यम को अगर आप चेंज कराना चाहते हैं, या तो डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उसको चेंज कराना चाहते हैं, कोई दूसरा बैंक से जुड़ाना चाहते हैं, या तो बंद करवाना चाहते हैं, या तो जब नया खाता खुल रहा है उसके साथ आप कैसे जुड़वाएं डीबीटी को, तो उसके लिए जो एक फॉर्म होता है, इस फॉर्म के माध्यम से आप कैसे डीबीटी को चेंज करा सकते हैं, लिंक करा सकते हैं, डीलिंक करा सकते हैं, तो इसका, इसके ऊपर एक फॉर्म को कैसे प्राप्त करें, कहां से, इसके ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं पहले, जो आप ऊपर आई बटन में, यहां पे जो आई बटन आ रहा होगा वहां पे जाके आप देख सकते हैं, लेकिन पूरा वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद इस आई बटन पे जाइएगा। तो ये फॉर्म को कैसे भरें, ये फॉर्म जो है इसको कैसे भरें, इसके लिए इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों, कहने का मतलब इसलिए है क्योंकि जब से सहारा रिफंड पोर्टल का लॉन्चिंग हुआ है तब से काफी लोग परेशान हैं कि मेरा आधार सीडेड बैंक में दूसरा नाम दिख रहा है, बैंक का नाम दूसरा दिख रहा है, मेरा तो डीबीटी दिख ही नहीं रहा है, ऐसा आधार सीडेड बैंक में नाम दिख रहा है जो मेरे पास अकाउंट ही नहीं, उस बैंक में कभी अकाउंट ही नहीं था, या तो वो अकाउंट 10 साल पहले था। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए आए, प्रथम बार, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इस फॉर्म को कैसे भरेंगे? जब डीबीटी का फॉर्म होगा, डीबीटी को लिंक कराने वाला फॉर्म, चेंज कराने का फॉर्म एक ही है, इसमें कैसे हम भरेंगे वो पूरा विस्तार से बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा, स्पष्ट दिख रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर लिंकिंग सीडिंग आधार नंबर एंड रिसीविंग डीबीटी बेनिफिट्स इनटू बैंक अकाउंट, यानी कि एनपीसीआई मैपिंग, ऊपर में हेडलाइन में लिखा हुआ है एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ पे दिया हुआ है द ब्रांच मैनेजर, यानी कि जिस शाखा में, जो वर्तमान में आप लिंक कराने जा रहे हैं, वहां के ब्रांच, यानी कि ब्रांच शाखा प्रबंधक के आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, ये शाखा प्रबंधक, तो कहां पे दे रहे हैं आपको, यहां पे ब्रांच का नाम, ये ब्रांच लिखा हुआ है, यहां पे ब्रांच का नाम लिखा हुआ, जैसे देखिए सोनपुर हम डाल दिए हैं, तो यहां पे हम सोनपुर लिख दिए। तो आपका जो ब्रांच होगा वहां पे, ध्यान से समझिएगा, जो ब्रांच होगा उस ब्रांच का नाम यहां पे भरिएगा, यहां पे जो है ब्रांच का नाम भरिएगा, फिर किस बैंक में है वो ब्रांच का, जो बैंक होगा वो किस बैंक का है। तो बहुत सा बैंक होता है, कैनरा बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, एचडीएफसी हो गया, बहुत सा बैंक। तो आप जिस शाखा में गए हैं वो कौन सा बैंक में चाहते हैं लिंक कराना, तो उस बैंक का नाम, तो हम यहाँ पे डाल दिए हैं कैनरा बैंक, जो लिख दिए हैं यहाँ पे, हालांकि गाइडलाइन का ये है तो फिर भी इसको ये कर दे रहे हैं आपको, तो कैनरा बैंक। तो अब फिर नीचे डियर सर, यहाँ पे भरना है आपको अकाउंट नंबर, एकदम क्लियर समझते चलिएगा, स्पष्ट भाषा में समझाते चल रहे हैं, अकाउंट नंबर यानी कि जिस ब्रांच में गए हैं वहां का अकाउंट नंबर जो आपका है वो यहां पे भरना है। जैसे यहां पे डाल दिए हैं 4359, जो इस तरह से है आपका, जो भी अकाउंट नंबर होगा यहां पे भर देंगे। फिर उसके बाद इन अकाउंट नेम, इस अकाउंट नंबर में जो नाम होगा, यानी कि आपका जो नाम अकाउंट नंबर में शो हो रहा होगा यहाँ पे भर देंगे, जैसे RNJIXXS करके या KUMRX करके यहाँ पे दिए हुए हैं कटकुट करके, तो ये आप यहाँ भर देंगे, अपना नाम भर देंगे। नीचे लिखा हुआ है लिंकिंग सीडिंग ऑफ आधार इन NPCI मैपिंग फॉर रिसीविंग डायरेक्ट बेनिफिट्स, मतलब इसके लिए ये एप्लीकेशन हम दे रहे हैं। फिर नीचे लिखा हुआ आई एम मेंटेनिंग अ बैंक अकाउंट, यानी कि सेम बैंक, ऊपर जो बैंक अकाउंट दिए हुए हैं यही बैंक अकाउंट यहां पर भी भर देना है, ध्यान रखिएगा, यही बैंक अकाउंट, ऊपर में जो बैंक अकाउंट है यही बैंक अकाउंट यहां भर दीजिएगा। तो विथ योर ब्रांच, यानी कि आपके ब्रांच में जो मेरा बैंक अकाउंट है वो यहां पे है, ये ब्रांच में आपका अकाउंट है,
आई सबमिटेड माई आधार नंबर एंड वॉलेंटरियली गिव माई कंसेंट टू, क्या चीज के लिए आप इजाजत दे रहे हैं बैंक को, जो जो हम डॉक्यूमेंट दिए हैं उसका आप यूज करें, क्या 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 चीज के लिए यूज करना है। तो इसमें क्या कहा हुआ है, यूज माई आधार डिटेल्स टू ऑथेंटिक माई फ्रॉम UIDAI, यानी कि जो आधार का होता है UID का, उसका नंबर डिटेल्स जो है आप वहां से निकाल सकते हैं। यूज माई मोबाइल नंबर मेंटेन्स मेंशन, मतलब नीचे में मेंशन बिलो फॉर सेंडिंग SMS अलर्ट्स टू मी, यानी यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ये मोबाइल नंबर जो हम दिए हैं तो इसको इजाजत दे रहे हैं कि आप उसको नोट कर लीजिए और मैसेज भेजने में वो काम आएगा, मैसेज जब आप भेजेंगे तो इस नंबर पे आएगा। लिंक द आधार नंबर टू ऑल माई एग्जिस्टिंग न्यू फ्यूचर अकाउंट्स एंड द कस्टमर प्रोफाइल, यानी कि CIF विथ योर बैंक, यानी कि लिंक कर दें जो मेरा पर्सनल CISF, यानी कि जो होता है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोफाइल जो होता है उस पर मेरा लिंक कर दे, जो डिटेल जो दिए हैं उसमें। अब आइए यहाँ पे सिग्नेचर कर दिए, एक आवेदन ये हो गया आप दे दिए, उसी में भर लिए, यहाँ साइन कर लेंगे। अगर साइन नहीं आप करते हैं, जो साइन नहीं करते हैं उनके लिए यहाँ थंब इम्प्रेशन है, थंब इम्प्रेशन दे दिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऑप्शन फॉर रिसीविंग DBT बेनिफिट्स ट्रिक ऑन, ट्रिक वन वन वन, यह ध्यान रखिएगा ये वन लिखा हुआ, यानी एक, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार में से कोई एक के लिए आप अप्लाई करेंगे, चारों के लिए नहीं, एक के लिए, ध्यान रखिए, या तो इसको करें या तो इसको करें या तो इसको करें तो इसको करें। तो यहाँ पे क्या क्या भरना है, मान लीजिए कि पहला ऑप्शन किसके लिए है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि आई विश टू सीड माई अकाउंट नंबर विथ NPCI मैपिंग टू इनेबल मी टू रिसीविंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इंक्लूडिंग LPG गैस सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि GOI इन माई एबव अकाउंट। आई अंडरस्टैंड दैट इफ मोर देन वन बेनिफिट ट्रांसफर इज ड्यू टू मी, इट विल रिसीव ऑल द बेनिफिट ट्रांसफर इन द सेम अकाउंट फॉर कस्टमर हु हैव नॉट सो फार सीडेड अकाउंट विथ NPCI, यानी कि ये विभिन्न लोगों के लिए है, नया उपभोक्ता जिनके पास पहले से DBT लिंक नहीं होगा, उन लोगों के लिए ये पहला ऑप्शन है। आप इस अकाउंट नंबर, यहाँ जो अकाउंट नंबर दिया हुआ है, इसी अकाउंट नंबर को यहाँ भर देंगे और बैंक को पहला जब ट्रिक लगाएंगे, यानी कि जब पहला ऑप्शन आप भरेंगे तो यानी कि ये जो है इसी से लिंक कराएंगे, आप जो है आधार कार्ड को इसी से, मतलब अपना बैंक को DBT से लिंक करने के लिए ए नंबर से ही यहाँ पे लिंक करें, इसी नंबर में लिंक करें। तो ये पहला ट्रिक लगाइएगा, आप जो भी आपको यहाँ पे स्कीम का है वो पैसा वो सब आने के लिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है पढ़ लीजिएगा। तो फिर यहाँ केवल अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, बस हो गया, और कुछ जरूरत नहीं है। दूसरा में देखिए, आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट विथ इतना, मतलब मेरे पास पहले से कोई अकाउंट है, ध्यान से समझिए, यही इंपॉर्टेंट है, जो सहारा का मैटर आया है वहाँ पे चेंज करना है लोगों को, तो ये सेकेंड ऑप्शन, यही ऑप्शन जो है, ये सेकेंड ऑप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आई ऑलरेडी हैव अकाउंट इतना, नेम ऑफ बैंक का नाम यहाँ पे देना है, हैव ए IIN नंबर एंड सीडेड टू द NPCI मैपर्स फॉर द रिसीविंग DBT फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई रिक्वेस्ट यू टू चेंज माई NPCI मैपिंग, यानी कि DBT बेनिफिट्स अकाउंट टू माई अकाउंट विथ योर बैंक, यानी कि पहले से आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ये मतलब इस तरह का, इस बैंक में मेरा अकाउंट है, ध्यान समझिएगा। दूसरा ऑप्शन है, इसमें ट्रिक कब लगाएंगे, जब आपके पहले से अकाउंट है, जब किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है और उसको चेंज कराने के लिए वर्तमान बैंक यानी कि इस बैंक में आए हुए हैं, तो यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन को चूज करेंगे आप, ध्यान से समझ लीजिएगा, सेकंड ऑप्शन को चूज करेंगे तो यहाँ पे भरना है पहले वाला बैंक का नाम, जहाँ पे पहले से लिंक है DBT आपको, तो ये पहले वाला बैंक का नाम को यहाँ पे लिख देंगे, फिर IIN नंबर लिखेंगे, जो कि जरूरी नहीं है, लिखना कोई जरूरी नहीं है इसको, वो कार्ड का नंबर होता है, कार्ड का जो नंबर दिया जाता है शुरू का 4H वो नंबर होता है, लेकिन उसका कोई जरूरी नहीं, तो यहाँ पे डाल देंगे। तो ये सेकंड ऑप्शन समझ गए होंगे कि किन के लिए है, ये उनके लिए है जो पहले से उनका DBT कहीं अकाउंट से लिंक है और वो चाह रहे हैं कि फिर दूसरा अकाउंट में, दूसरा बैंक में करें, तो इसमें करिएगा।
ये सेकंड ऑप्शन का। तीसरा है आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट विथ द अनदर बैंक, यानी कि यहाँ पे बैंक का नाम देखिए, बैंक नेम ऑफ बैंक हैविंग IIN नंबर इतना एंड सीडिंग विथ NPCI मैपिंग फॉर द रिसीविंग DBT फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। I don't want to change my NPCI मैपिंग, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मेरा पहले से अकाउंट है उसमें जो पहले से जहाँ पे DBT लिंक है, मेरा DBT उसी बैंक में रहेगा, आपके बैंक में नहीं, इन बैंक में नहीं। यहाँ जो रिक्वेस्ट आप दे रहे हैं यहाँ पे नहीं, इसमें लिंक नहीं। अगर आपको पहले वाला में ही रखना है तो तीसरा ट्रिक लगा दीजिएगा, तो इसमें अपने डाल के पहले वाला बैंक का नाम और NIIN जो नंबर होता है वो डाल के अपना वहाँ दे दीजिएगा, तो ये तीसरा ट्रिक हो गया। चौथा, आई डोंट विश टू सीड माई अकाउंट फ्रॉम योर बैंक विथ NPCI मैपिंग, आई विल नॉट बी गेटिंग DBT। तो कहा जा रहा है कि चौथा ऑप्शन तब है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि हम आई विल नॉट, मैं नहीं प्राप्त करूंगा, DBT नहीं लेना चाहता हूँ, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं चाहता हूँ सरकार की योजनाओं को पैसा को, तो नहीं है। तो चौथा, ये कम ज़रूरत पड़ता है लोगों को, तो इसलिए इसको करना नहीं है। तो मेनली आपको ये वीडियो बनाने का पर्पस दूसरा ही है कि जो चेंज कराने के लिए कैसे आपको चेंज कराए। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे आई हैव बीन द एक्सप्लेन, ये जो आपका रूल रेगुलेशन है उसको यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। नीचे है योर फेथफुली, यानी कि फिर यहाँ साइन करना, एक साइन यहाँ पे हो गया, दूसरा साइन यहाँ पे है, तो यहाँ साइन करेंगे आप दूसरा साइन, अगर साइन नहीं जो करते हैं वो थंब इम्प्रेशन यहाँ पे देंगे तो थंब इम्प्रेशन दे देंगे। फिर नीचे भरना है यहाँ पे नाम, नेम ऑफ जो अकाउंट में आपका नाम है, जैसे यहाँ पे जो नाम था, यहाँ जो नाम दिख रहा है यही नाम यहाँ पे भरना है। फिर आपका पर्सनल मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपको आधार कार्ड से लिंक हो वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, ध्यान रखिएगा, कोई दूसरा नंबर किसी और का नंबर नहीं डाल दें, तो यहाँ पे वही नंबर डालेंगे जो आधार कार्ड से लिंक हो, तभी तो यहाँ से पता चल पाएगा आधार दोनों लिंक होगा, जो आधार से कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, आधार का फोटोकॉपी डालेंगे यहाँ से, तो ये और ये मोबाइल नंबर से लिंक हो जाएगा, सारा डिटेल प्राप्त हो जाएगा। और आपको मैसेज भी आएगा, जो मैसेज आएगा आपको, तो मैसेज भी आएगा SMS के थ्रू, चाहे आधार से आए चाहे बैंक से आए, वो आएंगे आपके स्वतः। यहाँ पे ईमेल आईडी, अगर ईमेल आईडी आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिए, कोई ये नहीं है, लेकिन उसका पासवर्ड याद रखिएगा, पासवर्ड लिख के रख लीजिएगा कहीं, अगर नहीं है तो उसका भी कोई बात नहीं, तो ईमेल आईडी डालने के लिए ऑप्शन। फिर तीसरा साइन करना है, यहाँ पे क्या करना है, तीसरा साइन करेंगे, या तो जब थंब इम्प्रेशन दे रहे हैं तो थंब इम्प्रेशन अंगूठे का निशान जो होता है, अगर वो दे रहे हैं तो यहाँ पे थंब इम्प्रेशन डालेंगे। तो ये हो गया आपका इंग्लिश में, इंग्लिश का जो फॉर्म है उसको कैसे भरेंगे, इंग्लिश कहिए या हिंदी कहिए, समझा दिए तो सब हिंदी ही है, तो हिंदी या इंग्लिश में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अब जो दूसरा है हिंदी का फॉर्म जो है वो भी सेम इंग्लिश के जैसा ही है, लेकिन यहाँ फिर भी समझा दे रहे हैं आपको। तो इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ, आधार संख्या लिंकिंग सेंडिंग करने और बैंक खाते में DBT लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन, यानी NPCI मैपिंग के लिए हम आधार सीडिंग, मतलब कि DBT को लिंक कराना चाहते हैं अपने बैंक में, तो ये एप्लीकेशन जो है इसको भरने के लिए, तो यहाँ पे है शाखा प्रबंधक के नाम से एप्लीकेशन है, आप नाम डाल दीजिएगा उस ब्रांच का, जो ब्रांच होगा वहाँ पे आप नाम डाल दीजिएगा उस ब्रांच का, जैसे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, शाखा का नाम आप अपना डालिएगा वहाँ पे। यहाँ बैंक का नाम, यानी किस बैंक में गए, पंजाब नेशनल है, SBI है, कैनरा है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, या HDFC है, यहाँ पे नाम डाल देंगे। यहाँ दिनांक, जिस दिन आप भरने जाइएगा वो दिनांक यहाँ पे डाल देंगे, आप अपना भर लीजिएगा वहाँ पे। फिर लिखा हुआ है श्रीमान, यानी कि खाता प्रबंधक के नाम से एप्लीकेशन है, तो श्रीमान खाता संख्या, यानी कि आपका जो खाता नंबर होगा, जो अकाउंट नंबर होगा वो यहाँ पे भरना है, और खाते में जो नाम होगा, यानी कि आपका नाम है जो खाता में दर्ज हो रहा है हुआ है, तो वो नाम यहाँ पे भरेंगे। आपको देख रहे हैं 423 करके इस तरह से आपको एक ये हुए नंबर भरे हुए हैं। फिर आप अपना नाम भर देंगे, प्रत्यक्ष नाम प्राप्त करने के लिए NPCI मैपिंग पे आधार की लिंकिंग एवं सीडिंग के लिए, मैं आपकी शाखा में बैंक खाता, यानी कि जो यहाँ पे बैंक खाता अकाउंट नंबर है वही अकाउंट नंबर यहाँ होना चाहिए। आपको देख लीजिए यहाँ जो अकाउंट नंबर है वही अकाउंट नंबर यहाँ होना चाहिए। आपको ध्यान से सेम अकाउंट नंबर भर लिए, मैं अपना आधार नंबर प्रस्तुत या जमा करता हूँ और स्वेच्छा से इसके लिए आपको सहमति देता हूँ कि, मतलब आपको सहमति दे रहे हैं कि आपको क्या क्या कर सकते हैं,
UIDIA मेरे आधार विवरण का उपयोग से मुझे प्रमाणित करने के लिए, यानी कि जो आप आधार विवरण देंगे उनको आधार कार्ड का नंबर, आधार संख्या, आधार का फोटोकॉपी, तो उससे आपको करेंगे, मतलब पहचान करेंगे कि हाँ ये सही आदमी है। फिर दूसरा जो है, मुझे SMS अलर्ट भेजने के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर का उपयोग करें, यानी कि यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आप दिए हैं, ये मोबाइल नंबर जो दिए हुए हैं, इसका उपयोग करके मुझे SMS भेज सकते हैं, जो बैंक में ट्रांजेक्शन वगैरह का हो तो उसका तुरंत मैसेज आए। मेरे आधार नंबर मेरे सभी मौजूदा नए भविष्य के खातों एवं ग्राहक प्रोफाइल को अपने बैंक के साथ लिंक करें, यानी कि मेरे मौजूदा या नया भी हो चाहे भविष्य में जो हो, तो इसको लिंक करें CINF में, मतलब कस्टमर का हर कोई का एक नंबर होता है अकाउंट में, तो वहाँ पे वो नंबर से लिंक करें। अब आइए मेन काम, ये भर लिए आप, ऊपर भरा गया आपका पूरा डिटेल, बैंक अकाउंट आपका नाम यहाँ, फिर बैंक अकाउंट कर लिए। अब आइए आपको जाना क्या है, मतलब करने किस लिए गए हैं, ये एप्लीकेशन क्यों दे रहे हैं। तो पहला एप्लीकेशन यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि पहले भी समझा चुके हैं, पहला एप्लीकेशन है कि आप अपने DBT को इसी अकाउंट से, ये जो अकाउंट है इसी अकाउंट से लिंक कराना चाहते हैं, तो पहला पे ट्रिक लगाइए। यहाँ लिखा हुआ है DBT लाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प किसी एक पर टिक करें, चार ऑप्शन है, चारों में से कोई एक के लिए। तो अगर पहली बार जो आप अकाउंट नंबर यहाँ पे दिए हैं, ये जो अकाउंट नंबर है इसी में आप DBT लिंक कराना चाहते हैं, आपके पास पहले से कोई DBT नहीं है कहीं पे अकाउंट में जुड़ा हुआ, तो पहला ऑप्शन को करिए। फिर दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन में आपके पास कोई और अकाउंट में DBT लिंक है पहले से किसी और बैंक में, और आप चाहते हैं कि मेरा इस बैंक के अकाउंट में मेरा DBT लिंक हो, तो ये दूसरा ऑप्शन पर, यानी कि कहिए स्पष्ट भाषा में कि चेंज जब करना हो तो दूसरा ऑप्शन। तो इसी ऑप्शन के लेकर जब से सहारा के मैटर आया है तो इस ऑप्शन का ज़्यादा प्रयोग होगा, तो ये सेकंड में जब चेंज करना चाहते हैं, और थर्ड में है आप नहीं करना चाहते हैं, मतलब जो जुड़ा हुआ है पहले से उसी में रहने देना चाहते हैं, इस अकाउंट में नहीं चाहिए, तो इसी तरह से। तो मैं चाहता हूं कि मेरा खाता नंबर MPI मेपर से जोड़ा जाए ताकि मैं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकूं, जिसमें भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली LPG सब्सिडी भी शामिल है। मैं समझता हूं कि यदि मुझे एक से अधिक लाभ हस्तांतरण होने हैं तो मुझे एक ही खाते में सभी लाभ हस्तांतरण प्राप्त होंगे, यानी कि जब DB क्रिएट हो डायरेक्ट बेनिफिट कोई दो चार योजना में, जैसे किसी का गैस का भी है, प्रधानमंत्री का जो बहुत सारे स्कीम है उसका भी पैसा, तो इसी अकाउंट में हो, सारा पैसा जो है इसी अकाउंट में है, तो मेरा लिंक कर दीजिए, इसी अकाउंट से DBT लिंक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है अकाउंट भरने का, जबकि इंग्लिश में दिया गया था, यहाँ पे अकाउंट भरने का ऑप्शन दिया गया था, आप देख रहे होंगे यहाँ पहला में इंग्लिश में अकाउंट भरने का ऑप्शन, लेकिन इसका कोई उद्देश्य नहीं है क्योंकि हम एप्लीकेशन इसी अकाउंट के लिए दे रहे हैं, यहाँ जो अकाउंट है इसी के लिए, तो इसी में रहने देंगे हम, यहाँ देने की जरूरत नहीं है, तो इसी से लिंक होगा। दूसरा जो है चेंज करने का, मेरे पास पहले से ही जो आपका बैंक का नाम हो हम भर दिए हैं NB करके इस तरह से, अगर आप DBT को चेंज करना चाहते हो एक बैंक से दूसरे बैंक में आप चेंज करना चाहते हो तो सेकेंड ऑप्शन पे जाइए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मेरे पास पहले से ही जो बैंक का नाम है, यहाँ बैंक का नाम है, ये बैंक का नाम है, ये बैंक है मेरे पास पहले से ही, तो यहाँ बैंक का नाम लिख लीजिएगा, मैं खाता है जिसका IAN नंबर इतना है, यहाँ पे भर लीजिएगा अपना, और भारत सरकार में DBT प्राप्त करने के लिए NPCI मैपर से सीडेड खाता है, मतलब ये जो खाता है वो DBT से लिंक है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने बैंक के साथ मेरे NPCI मैपिंग यानी DBT बेनिफिट अकाउंट को मेरे खाते में बदल दें, यानी कि यहाँ से हटा के, ये जो बैंक है यहाँ बैंक है जो, इससे हटा के इसमें कर दें, यहाँ से हटा के इसमें कर दें, जब चेंज करना हो तो सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, मेरा पहले से ही एक अन्य बैंक का नाम में खाता है जिसका IIN नंबर इतना, और भारत सरकार से DBT प्राप्त करने के लिए NPCI मैपर से सीडेड खाता है, मैं NPCI मैकिंग यानी कि DBT बेनिफिट अकाउंट को अपने मौजूदा बैंक से बदलना नहीं चाहता। तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है उन लोगों के लिए है जिनका अकाउंट पहले से है दूसरे खाता में और DBT से लिंक है, और वो चाहते हैं कि पहले वाले अकाउंट में ही मेरा DBT लिंक रहना चाहिए, तो फिर ये ऑप्शन, ये पेपर भरने, फॉर्म भरने की क्या जरूरत है,
लेकिन आपको बता दें कि कहीं कागज मांगा गया होगा बैंक से, चाहे डिक्लेरेशन लेता है लोग कि इस अकाउंट से डीबीटी लिंक करना है या नहीं करना है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन नहीं, मुझे पुराने बैंक में ही रहने दीजिए, आपके बैंक से डीबीटी लिंक नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने बैंक को एनपीआई मैपर के साथ अपने खातों को सीट नहीं करना चाहता, मुझे डीबीटी लाभ प्राप्त नहीं होगा, मतलब जो डीबीटी होता है डायरेक्ट बेनिफिट, वो ट्रांसफर मेरे पे अप्लाई नहीं होता है, मुझे नहीं चाहिए, तो इसलिए ये चौथा ऑप्शन पे, तो चौथा ऑप्शन कम ही लोग भरता है, मेनली है कि दूसरा और पहला तीसरा, तो इस तरह से। फिर यहाँ पे देखिए, जो आपको मुझे उपरोक्त दी गई सूचना के स्वरूप के बारे में बताया गया कि ये जानकारी प्रमाणीकरण पर साझा की जा सकती है, मुझे यह समझाया गया है कि बैंक में जमा की गई मेरी जानकारी उपरोक्त उल्लेखित उद्देश्य के अलावा या कानूनी की आवश्यकता के अनुसार किसी अन्य उद्देश्य में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यानी कि जो डॉक्यूमेंट दिया गया उसके इसके बैंक के अलावा किसी चीज में कानून में नहीं ना चाहे कुछ और में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा स्वेच्छा से दी गई उपरोक्त सभी जानकारी सत्य सही और पूर्ण है, मतलब ये सब जो जानकारी हम डिटेल दिए हैं ये सत्य है, सही है, पूर्ण है, तो यहाँ पे फिर साइन कर देंगे। इसको देने के बाद पहला साइन यहाँ पे हुआ, दूसरा साइन यहाँ हुआ, तीसरा यहाँ पे क्या भरना है, नाम अपना, बैंक में आपका जो अकाउंट है उसका नाम भर दिए, मोबाइल नंबर यहाँ भर दीजिएगा, आप अपना, फिर से बोल रहा हूँ कि आप अपना मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो वही मोबाइल नंबर डालिएगा, फिर यहाँ पे ईमेल जो है ईमेल भर दिए, फिर आधार की प्रति यानी कि आधार कार्ड का फोटो कॉपी यहाँ पे चिपका के इसे ट्रिक मार दीजिएगा कि डाल दिए हैं, मतलब दे दिए हैं आपको यहाँ पे, यहाँ तीसरा बार में फिर यहाँ पे ग्राहक के हस्ताक्षर और अनूठे मतलब साइन कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे फॉर्म भरे आपको बता दिया, आप क्लियर हो गए होंगे, तो देखा आपने ना कितने आसान तरीकों से आपको हम बता दिए, समझाएं कि कैसे कैसे क्या भरना है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और आप आसानी से समझ गए होंगे कि कहाँ पे क्या क्या भरना है, और अब केवल फॉर्म को भर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, भर लीजिए और चुपचाप से बिना किसी से कुछ कहे आप चले जाइए अपने शाखा में, वर्तमान शाखा में जाइएगा, नहीं कि जो पीछे का अकाउंट है उसमें जाना है, जहां पे आप लिंक कराना चाहते हैं। स्पष्ट बता देते हैं, जिस अकाउंट से लिंक कराना चाहते हैं, जिस बैंक अकाउंट से लिंक कराना चाहते हैं उसके ब्रांच में जाइए, फिर से समझ लीजिए, जिस अकाउंट से लिंक कराना चाहते हैं, जिस बैंक अकाउंट से लिंक कराना चाहते हैं उनके ब्रांच में, उसके ब्रांच में, उस बैंक के ब्रांच में जाकर और इस आवेदन को जो है ये फॉर्म को वहां सबमिट कर दीजिए, दे दीजिए, और पूछ लीजिएगा कि कितने दिन में अपडेट होंगे, अगर अपडेट हो जाएंगे तो स्वतः आपका जो है आधार सीडेट के जगह पे आपका जो नया बैंक आपने डाला है वो दिखने लगेगा, बैंक के नाम दिखने लगेगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें, इसमें कंजूसी नहीं करें, और वीडियो को शेयर करें, अपने लोगों में शेयर करें, ज्यादा दूर नहीं, अपने लोगों में शेयर करें। अगर चैनल पर आए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपके पास भी कुछ प्रश्न हो, क्वेश्चंस हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स नीचे कमेंट बॉक्स में आप जाकर लिख सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जानकार लोगों एक्सपर्ट लोगों से आपकी प्रश्न को रख कर उनसे जानकारियां लें और आपके सामने रखें। धन्यवाद।